हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ जो कि बेट विनर पे है। बेट विनर के बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप लोग इस पे अपना कैसे अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें ये स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में मैच ऑफ द डे है, बैट ऑन नेशनल टीम है, बैट ऑन बिग टूर्नामेंट्स है, बैट कंस्ट्रक्टर है दोस्तों, बैटिंग एक्सचेंज है, बैट ऑन UFC है दोस्तों, बैट ऑन पॉलिटिक्स है। आप पॉलिटिक्स पे भी इस पे बैटल लगा सकते हैं, साइड पे आप आगे पॉलिटिक्स पे भी बैटल लगा सकते हैं। तो दोस्तों, लाइव लाइव में गेट ऑन योर नेशनल टीम है, तो दोस्तों कोक फाइट है, मल्टी लाइव है, लाइव पर व्यू है, ई स्पोर्ट्स है। तो दोस्तों, इसमें प्रमोशन ये वाली है, तो दोस्तों इसमें बोनसिस है, बोनस गेम्स हैं, जैक पॉट है, प्रोमो है, ई स्पोर्ट्स है, ई स्पोर्ट्स कैलेंडर जिसे बोलते हैं, बोनस कैलेंडर है दोस्तों, कसिनो है इसमें दोस्तों, विन गेम्स है। तो दोस्तों, इसकी अपनी भी गेम्स हैं, विर्चुअल गेम्स भी हैं दोस्तों, टीवी गेम्स भी हैं, और इसके अलावा और बहुत कुछ है इसमें, पोकर है, तो दोस्तों लॉटरीज वगैरह भी है इसमें। तो लेकिन दोस्तों, मेरा आप लोगों को मशवरा यही है कि जिस चीज़ का आप लोगों को नहीं पता तो आप उस तरफ ना जाएं। तो मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि आप लोग सिर्फ क्रिकेट पे बैटल गए, वो लोग जिन्हों को क्रिकेट की हौनो है। तो दोस्तों, इस पे आपको रजिस्टर्ड होने के दो तरीके हैं दोस्तों, वन क्लिक है और बाई फोन है। तो दोस्तों, ये आप लोगों की मर्जी है, आप वन क्लिक से इस पर रजिस्टर्ड हों या बाई फोन हों। तो दोस्तों, अगर आप वन क्लिक से रजिस्टर्ड होंगे तो दोस्तों आप लोगों ने अपनी कंट्री पाकिस्तान रहने देनी है। दोनों में तरीका एक ही है, कंट्री पाकिस्तान रहने दें, और जो आप करेंसी है दोस्तों, मेरा आप लोगों को मशवरा यही है कि आप करेंसी USD डॉलर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, जो प्रोमो कोड है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और इसका लिंक भी वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से पकड़ के आप लोगों ने इसको स्क्रॉल करना है, इसके बाद लोग दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने टिक करना है, टिक करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने एक ऐसा मैसेज शो होगा, थैंक्स फॉर द रजिस्ट्रेशन, आप लोग इस पे रजिस्टर्ड हो चुके। तो दोस्तों, ये बात ये देखें, प्लीज मेक नोट ऑफ योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आप लोगों ने अपना, ये आप लोगों का यूजर नेम है और ये नीचे पासवर्ड है। तो दोस्तों, ये आप लोगों ने कहीं लिख लेना है, ये आपका हमेशा के लिए यूजर नेम होगा। पासवर्ड आप लोग बाद में चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब कभी भी लॉगिन होंगे तो आपको यूजर नेम इसी की जरूरत पड़ेगी। तो आप सेव फाइल फाइल पे क्लिक करें तो ये फाइल आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने ये बात याद रखनी, गेट बोनस पे भी क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, योर चॉइस ऑफ बोनस हैज बीन एक्सेप्टेड। तो दोस्तों, यहाँ इसका मतलब है कि आप लोगों की जो चॉइस है वो एक्सेप्ट हो चुकी है, तो आपको अब बोनस मिलेगा। तो दोस्तों, लिंक योर फोन नंबर टू योर अकाउंट। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आप लोगों के नाम पे है, जो आप लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड सिम है। तो दोस्तों, ये डालना आप लोगों ने कभी नहीं भूलना, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पे आप लोग अपना पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो। अगर भूल जाओ तो अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो इसको इनेबल कर दें या कंप्लीट पे क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर इस पे लाजमी डालना है। तो दोस्तों, अब ये आप लोगों का अकाउंट इस पे रजिस्टर्ड हो चुका है। तो दोस्तों, ये सेटिंग है इसकी। तो दोस्तों, सेटिंग में जाके आप लोगों ने डेसिमल पे ही क्लिक करना है, डेसिमल ही रहने देना है, क्योंकि आप लोग डेसिमल को ही समझ सकोगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने डेसिमल रहने देना है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग अपने अकाउंट पे क्लिक करेंगे, माई अकाउंट है ये, माई अकाउंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का अकाउंट आगे ओपन हो जाएगा। ये वेलकम है, आगे नीचे बोनस सॉरी बैलेंस आपका 0 है, 0.0 है। तो दोस्तों, लिंक योर ईमेल एड्रेस। तो दोस्तों, आप लोगों यहाँ पे अपनी वैलिड ईमेल एड्रेस को भी लिंक करना मत भूलें। तो दोस्तों, ये आप लोगों ने लाजमी इसके साथ अपनी ईमेल एड्रेस को भी लिंक करना है। तो ये जैसे आप लोग अपनी यहाँ पे ईमेल डालेंगे और इसको लिंक ईमेल करेंगे, तो आप लोगों के पास ईमेल बुक ईमेल जी। तो फ्रेंड्स, आप लोग जैसे अपनी यहाँ पे ईमेल डालेंगे तो आप लोगों के पास इनकी तरफ से ईमेल सेंड हो जाएगी। तो लिंक ईमेल, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो दोस्तों, ये गूगल का वेरीफाई है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ये आपको शो करेंगे, वैसे अपने जैसे क्रॉस वॉक्स है, तो ये क्रॉस वॉक्स ये है, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है।
यहाँ पे वेरीफाई कर देना है, और वेरीफाई करने के बाद ये सक्सेसफुली बताएंगे कि आपको ईमेल सेंड कर दी गई है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लोज करना, मतलब अपने उस ईमेल को जाके इनबॉक्स में जाके आप लोगों ने वहाँ से एक्टिव करना है। वहाँ पे आप लोगों ने जाके अपनी मेल को चेक करना, चेक करने के बाद उसको एक्टिव करना है। तो दोस्तों इसके बाद पर्सनल प्रोफाइल है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपनी पर्सनल प्रोफाइल को सेट कर सकते हो, और ये आप लोगों ने लाजमी सेट करनी है। तो दोस्तों आपका जो अकाउंट यूज़र आईडी है वो आप लोगों की वही रहेगी, पासवर्ड आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जिसके सामने भी ये पेंसिल का निशान होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने अपना प्रीवियस पासवर्ड डालना है जो आप अभी आप लोगों को इनकी तरफ से मिला है, वो डालने के बाद आप उसके नीचे आप लोग अपना नया, और फिर उस पासवर्ड को दोबारा रिपीट करके अपना नया अपनी मर्जी का पासवर्ड रख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने अपना कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, जैसे ये कहते हैं कि योर फेवरेट टीम, इसके अलावा और भी बहुत से सवाल हैं। तो दोस्तों अपनी मर्जी का आप लोगों ने यहाँ पे जवाब देना है जो आप लोग याद रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख देता हूँ कि मुझे ताकि ये याद रहे। लिंक योर फोन नंबर टू योर अकाउंट, तो दोस्तों यहाँ पे दोबारा आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो दोस्तों मोबाइल नंबर डालने से पहले आप लोगों ने सिफर नहीं लगाना, तो ये सिफर के बगैर आप लोगों ने, क्योंकि पहले उससे कोड लगा हुआ, तो दोस्तों यहाँ पे अपने 031। हाँ तो फ्रेंड्स आप लोगों ने अपना यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, तो इसके बाद आप इसको कंप्लीट कर देंगे या इनेबल पे क्लिक कर दें। उसके बाद ईमेल है, ईमेल आप लोगों की सक्सेसफुली ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। उसके बाद स्काइप एड्रेस है, अगर आप लोगों ने स्काइप कोई अकाउंट बनाया हुआ है तो वहाँ यहाँ पे उसका दे दें एड्रेस। यहाँ पे सर नेम आप लोगों ने अपना नेम, रियल नेम यहाँ पे इस्तेमाल करना है, जो भी आपका रियल नेम है यहाँ पे फर्स्ट नेम है, उस सर नेम पे आप लोगों ने अपना बाकी वाला नेम लिखना है, नेम का दूसरा हिस्सा लिखना है। तो दोस्तों ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना वैलिड नाम इस्तेमाल करना है जो आप लोगों के आईडी कार्ड पे है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी रियल इस्तेमाल करनी ताकि आप लोगों को विड्रा लेने में आसानी होगी। अपनी आप लोगों ने करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है ताकि आप लोग इससे विड्रा आसानी से ले सकें। अगर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो आपको विड्रा लेने में मुश्किल पेश आ सकती है। तो यहाँ पे अपने लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी जो आप लोगों के आईडी कार्ड के ऊपर है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ है, आप लोगों ने अपना यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ डालनी है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, जैसे आपका आप लोगों का जो सिटी है। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, आप लोगों ने अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आप लोगों ने अपना रियल इस्तेमाल करना है। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अपनी कोई भी फेक इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं डालनी, आप लोगों ने अपनी रियल इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है ताकि आप लोगों को विड्रा लेने में आसानी हो। तो ये मैं आप लोगों के सिर्फ रैंडम कर रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना हुआ है। तो फ्रेंड मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे रैंडम इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने परमानेंट रेजिडेंट रेजिडेंसी एड्रेस डालना है। तो दोस्तों आप लोगों का जो आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस है वो आप लोगों ने यहाँ पे डालना है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, आप लोगों ने अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। अगर आप लोग फेक इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आप लोगों को विड्रा लेने में, जो आप लोग यहाँ से क्रिकेट से पैसे बनाएंगे वो लेने में आप लोगों को मुश्किल पेश आ सकती है। तो ये सब करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग सेव पे क्लिक करेंगे तो गूगल का ये कैप्चा खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग पाम ट्री जो है वो सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद आप लोगों ने उसको ओके करना। ओके करने के बाद आप लोगों ने सेव पे क्लिक करना है दोबारा से। तो सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन बिटवीनर पे सेव हो जाएगी। अब देखें उन्होंने ये बता दिया कि इंटरव्यू सरनेम, आप लोगों ने अपना सरनेम नहीं डाला। इंटरव्यू नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आप लोगों ने अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं डाला, लेकिन मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने ये
या तो यहाँ पे अकाउंट सेटिंग है, तो फ्रेंड्स आप लोग अपने अकाउंट की सेटिंग करना भी मत भूलें। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिक्योरिटी सेटिंग है जो वो लॉग आउट है, ऑल ब्राउज़र यहाँ पे करेंगे तो तमाम ब्राउज़र पे ये लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद टाइम जोन है, अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ये बात सेलेक्ट कैश बैक बोनस ऑन योर अकाउंट बैलेंस, यहाँ पे आपने टिक करना नहीं भूलना। यहाँ पे आप लोग बोनस ऑन योर अकाउंट बैलेंस यहाँ पे आपने टिक करना नहीं भूलना। जो बोनस जैसे आप डिपॉजिट करेंगे तो आपके पास इनकी तरफ जितना डिपॉजिट करेंगे उतने पैसे आप लोगों के पास आ जाएंगे। एक तो आपकी अपनी मनी होगी, इनकी तरफ से आप लोगों को बोनस मिलेगा। जो तो यहाँ पे दोबारा से आप लोग अपने वैलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे आप लोगों ने जैसे मैं यहाँ पे अब ये आप USD डॉलर सेलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे करते हैं तो वो शो नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो मेरा मेन अकाउंट है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी मर्जी से और भी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान रुपीज भी है इसके अंदर। तो ये USD यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने वो पहले ही अपना मेन अकाउंट के तौर पर रखी थी USD डॉलर। तो यहाँ पे आप एक पाकिस्तानी रुपीज में करेंसी सेलेक्ट कर लें। तो ये सारी करेंसीज हैं, इसमें मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसीज है जो आप लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन मेरी माने तो आप लोग USD डॉलर और पाक रुपीज ही रहने दें। तो फ्रेंड्स आप लोग ये दोनों ही इस्तेमाल करें। USD डॉलर इसलिए रखिए कि आप लोगों को स्क्रील का अकाउंट जब इससे अटैच करेंगे तो उसके लिए USD डॉलर की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप कैश माल से इसमें पैसे डिपॉजिट करते हो तो फिर आप यहाँ पर पाकिस्तान रुपीज सेलेक्ट कर लें, कैश माल से भी इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें ओके हो गया, यहाँ पे क्लिक करते हैं, मेन अकाउंट USD डॉलर है और अदर करेंसीज PKR है पाकिस्तान रुपीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिकेट पे क्लिक करते हैं। मैं अब थोड़ा सा आपको क्रिकेट के बारे में ओवरव्यू दूंगा। ये जैसे ऑस्ट्रेलिया वो न्यूजीलैंड के टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे इसका रेट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्लिक करेंगे इसके ऊपर। ये बेट लगाने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया पर रेट है 1.175। तो इसका मतलब है कि वो तकरीबन आप लोगों को 175 पैसा दे रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और ड्रॉप है 5.45। तो इसका मतलब 4.45 रुपीज़ आप लोगों को दे रहा है वो। ड्रा पे न्यूजीलैंड पे 40 रेट हुआ हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे बैट लगाने के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखा प्लेस बैट, यहाँ पे आपने स्टेक USD की जगह पे आप लोगों ने अपनी अमाउंट सेट करनी है। जैसे वहाँ पे एक अमाउंट मैंने सेलेक्ट की हुई है स्टेक USD की जगह आप देखें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग अपना प्रोमो कोड भी, ये देखें मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट पे क्लिक किया तो वो कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में फंड्स नहीं, अगर होता तो वो यहाँ पे प्लेस हो जाता। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपना प्रोमो कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को बोनस मिलेगा और आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। तो ये ड्रा है, ड्रा पे 5.45 इस है। इस बात को आप लोगों ने समझना है कि ये ऑस्ट्रेलिया फेवरेट चल रही है और न्यूजीलैंड लूज कर रही है ये वाला मैच। उसके अलावा इसमें बहुत बहुत सारे बेट लगाने के उन्होंने दिए हैं, एक ओवर में कितने रन बनेंगे, टोटल रन कितने होंगे। यहाँ पे आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन पे इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। माई अकाउंट पे गए, अकाउंट एक्टिवेशन, आप लोगों के पास इनकी तरफ से एक ईमेल सेंड की गई है, जो आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस डाला था उस पर एक मेल सेंड की गई। तो वहाँ पे आप लोगों ने अपना इनबॉक्स ओपन करके उस मेल को जाके ओपन करना, और वहाँ से आप लोगों ने उस मेल को वेरीफाई करना है, वेरीफाई पे क्लिक कर देना है वहाँ पे जाके। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और ये फ्रेंड्स अकाउंट ID है, जब भी आप लोग अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉगिन होंगे तो आप लोगों ने ये ID डालना मत भूलें। इस ID को डाल के आप नीचे अपना पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद डिपॉजिट मेथड, तो फ्रेंड्स ये बात काबिल गौर है, यहाँ पे इसमें डिपॉजिट मेथड बहुत सारे हैं। वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड, उसके बाद स्क्रिल है, कैश माल है, नेटलर है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने इस पे अपना मास्टर कार्ड ना इस्तेमाल करें तो अच्छा है। आप लोग यहाँ पे इसके अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, कैश माल है। जैसे मैं आप लोगों के सामने कैश माल पे अपना अकाउंट बनाया, मैंने वीडियो अपलोड पहले ही कर दी है स्क्रिल और नेटलर और कैश माल पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों ने अपनी
अमाउंट सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे अपनी आईडी डालनी है। ईमेल आईडी ही मिलेगी आपको कैशमाल पे, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वहाँ से आपको ईमेल आईडी होगी, तो आप लोग यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी वो डालेंगे जिस पे आपका कैशमाल अकाउंट क्रिएट किया गया है। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों ने बात याद रखनी है, आपने जो भी अकाउंट क्रिएट करने हैं कैशमाल, सकरेल, नेटलर या बैटमिनर, आप लोगों ने अपनी रियल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे आप अपनी आईडी डाल के कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, जैसे हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कैश माल के अकाउंट तक ले जाएगा और ये बताएगा जी 7720.47। तो ये ऐसे अपलोड विड्रा करने का तरीका भी ऐसे ही है, जिस अकाउंट से आप अकाउंट से आप अटैच कर लेंगे, सक्रियल से आप इसमें पैसे डिपॉजिट करेंगे, कैश माल से करेंगे या नेटलर से करेंगे, तो आप लोग विड्रा भी सक्रियल से ले सकते हैं, कैश माल से ले सकते हैं, नेटलर से ले सकते हैं। तो ऐसे ही उसका तरीका भी ऐसे ही है, जब आप लोगों ने जो क्रिकेट से पैसे यहाँ पे जीते हैं या बनाए हैं बैट लगा के, तो वो लोग आप अपने तरफ विड्रा ले सकते हैं। कैश माल पे जाते हैं, कैश माल पे जाके यहाँ पे 50 इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे जाके आप लोगों ने ईमेल की जगह पे अपनी कैशमेल आईडी डालनी है, तो कंफर्म पे क्लिक करना तो पैसे आपकी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे और वहाँ से कैशमाल से आप जैस कैश के जरिए वो पैसे विड्रा करवा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो फ्रेंड यहाँ पे आप बैट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, ये कोई फेक साइट नहीं है, ये 100% काम करती है। उसके अलावा आप लोगों को अगर कोई भी इनसे इन्फॉर्मेशन दरकार हो तो यहाँ पे ये कॉल बैक की जगह जहाँ पे पाकिस्तान का ये बना हुआ है कोड, वहाँ पे आप लोगों ने अपना नंबर डालना है और उसके बाद ऑर्डर पे क्लिक करना, तो यहाँ से इनके नुमाइंदे की आपको कॉल आ जाएगी।